माननीय प्रधानमंत्री जी का आज संदेश हम सब लोगों ने सुना है और जिस प्रकार से वैश्विक कोरोना महामारी से विजय हासिल करने के लिए और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए आज 2,20,00,000 रुपए करोड़ का जो पैकेज घोषणा की गई है, इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिस प्रकार से उद्योग हमारे आगे बढ़ सके, उसके साथ में हमारे जो मध्यम वर्ग हैं, किसान हैं, हमारे श्रमिक हैं, ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, ऐसे लोगों के जीवन में निरंतर आर्थिक रूप से गतिविधियां आगे बढ़ सके और इस देश को आगे बढ़ाने में सब सहायक हो सके, इसके लिए उन्होंने जो आज जारी किया है माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा, जब पैकेज अलग अलग जारी की जाएगी तो हम सब लोगों को इसका असर और लाभ देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कि 21वीं सदी भारत की है और हम कैसे न केवल देश के अंदर मजबूत हो बल्कि वैश्विक स्तर पर हम एक सप्लाई करने का चेन भी बना सके, हमारे जो लोकल उत्पाद है उसकी गुणवत्ता को हम आगे बढ़ा सके और विदेशों में भी उसको हम ले जा करके सप्लाई कर सके, इस बात को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जोर दिया गया है। इसी के साथ ही साथ में कि जो लॉकडाउन है, अब केवल लॉकडाउन को लेकर के बैठे रहे और सारी गतिविधियां ठप ना हो जाए, इसलिए आने वाले समय की जो चिंता है, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जो रिलैक्सेशन दी जाएगी, जो छूट दी जाएगी कि हमारा उद्योग भी चले, हमारा व्यापार भी चले, खेती का कार्य भी हो, हमारे जो श्रमिक हैं उनके काम भी प्रारंभ हो जाए, ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, फेरी वाले हैं, ऐसे लोगों के कार्य सुचारू रूप से चल सके, उसके लिए इस पैकेज में जो बात कही गई है और उसके साथ ही साथ में उन सारे नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और उसके साथ में नियमों और कानून का पालन करते हुए हम गतिविधियों को चला सके, जिससे इस आर्थिक संकट से भारत को निकाल सके, लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ में कार्यों में लग सके, इसके लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो महत्वपूर्ण संदेश हम सबको प्राप्त हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय जिस प्रकार से मोदी जी ने कल्पना की है उसको हम उनके नेतृत्व में साकार होते हुए देखेंगे। और एक बार मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई भी देता हूँ, उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि इस देश को संकट से निकालने का महत्वपूर्ण आज संदेश उन्होंने दिया।